हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं क्लास टेंथ चैप्टर सिक्स सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में तो आज की जो हमारी पहली क्लास है वो हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में है सिमिलर ट्राइंगल से पहले मैं आपने आपने जो क्लास नाइन्थ के अंदर जो क्वॉन्ग्रेन ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है उससे कोरिलेट करते हुए मैं आपको सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में समझाता हूँ तो देखिए क्लास सबसे पहले मैं बात करता हूँ

एंड सेम साइज ये बिल्कुल सेम शेप एंड सेम साइज के हुआ करते थे तो अगर मैं इस पी क्यू आर को उठा के अगर ए के ऊपर रख देता था तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते थे क्या कर लेते थे ओवरलैप कर लेते थे मतलब बिल्कुल ढक लेते थे सेम फोटो सेम फोटो के ऊपर आ जाए तो वो बिल्कुल उसको कवर कर लेती है फिर इसका अंदर क्या हुआ करता था हमारे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर ऑल द एंगल्स इसमें हमारा क्या रहता था ऑल एंगल्स कॉरेस्पोंडिंग एंगल ऑल कॉरस्पोंडिंग एंगल्स एंड कॉरेस्पोंडिंग साइड वर इक्वल जो हम यूज करते सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ क्वांग्रेन ट्राइंगल्स आर इक्वल ठीक है क्लास तो so ये था हमारा जिसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ट्राइंगल दूसरे एक सेम ट्राइंगल पे अगर मैं ओवरलैप करवा देता था तो वो मेरे क्वाग्रेन ट्राइंगल्स होते थे तो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करके कंप्लीट कर लेते थे नाउ आई एम हैडिंग फॉर दिमिलर ट्राइंगल सिमिलर का मतलब क्या हुआ एक जैसा दिखने वाला देखिए क्लास ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर ये ट्राइंगल दोनों एग्जैक्ट सेम दिख रहे हैं अगर ये दोनों ट्राइंगल एग्जैक्ट सेम दिख रहे हैं दे विल बी कॉल्ड एज सिमिलर ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल का सिंबल होता है ये इसमें देखिए क्लास क्या होता है ए बी सी पी क्यू आर अगर इनके ये एग्जैक्ट सिमिलर दिखते हैं एग्जैक्ट सिमिलर दिखने के भी क्राइटेरिया भी रहेंगे जो मैं आपको आगे बता रहा हूं ये बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर दिख रहे हैं तो ये क्या होंगे हमारे सिमिलर जैसे मैं अगर दूसरे फिगर के अंदर बात करता हूं मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं अगर मेरे पास एक स्क्वायर है टू सेंटीमीटर साइड वाला और एक स्क्वायर है फोर सेंटीमीटर की साइड वाला तो ये दोनों क्या है एग्जैक्ट सिमिलर है एग्जैक्ट सिमिलर है सेम साइज नहीं है सेम शेप यहां पे सेम साइज नहीं आएगा सेम शेप आएगा अगर मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूं अगर मैं इस स्क्वायर को थोड़ा कंप्रेस करके उठा के इसके ऊपर रख देता हूं और ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा तो ये सेम शेप तो है ही है अगर इसका सेम साइज कर दू तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ सिमिलैरिटी किसकी बात कर रहा हूँ सिमिलैरिटी की सिमिलैरिटी में ये दोनों सिमिलर दिखाई दे रहे हैं यस दे आर सिमिलर अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं अगर एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं टू सेंटीमीटर का जिसकी रेडियस और एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसकी रेडियस है थ्री सेंटीमीटर का दे बोथ आर सिमिलर कॉन्ग्रेंट का सिंबल क्या हुआ करता था ये और सिमिलर का सिंबल क्या हुआ करता है ये ठीक है ये हमारे सिमिलर का सिंबल रहेगा अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी के अंदर पाया क्या जाता है सिमिलैरिटी के अंदर क्या चीज सिमिलर होती है क्या चीज इक्वल होती है सर क्या सारे एंगल्स इक्वल होते हैं सर क्या सारी साइड्स इक्वल होती हैं? ऐसा होता है या नहीं ये हम बात करते हैं अब सिमिलैरिटी के अंदर क्या होता है बेटा देखिएगा ए बी सी पी क्यू आर ये हो गया मेरे पास 40 डिग्री ये हो गया मेरे पास 70 डिग्री ओके ये हो गया मेरे पास 50 डिग्री ये हो गया मेरे पास 60 डिग्री और ये हो गया मेरे पास 70 डिग्री इसको भी माना मैंने 50 डिग्री इसको माना मैंने 60 डिग्री इसको माना मैंने 70 डिग्री देखिए क्लास समझने की कोशिश कीजिए सारे एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर दिखेगा क्या दिखेगा सिमिलर दिखेगा लेकिन क्या शेप सेम है या नहीं देखते हैं मैं कहता हूँ इसकी साइड है आपके पास टू सेंटीमीटर इसकी साइड है आपके पास थ्री सेंटीमीटर और इसकी साइड है आपके पास फोर सेंटीमीटर ठीक है इसकी हो गई टू इसकी थ्री और इसकी फोर इन द सेम वे मैं यहां कहता हूं इसकी साइड है आपके पास फोर सेंटीमीटर इसकी साइड है आपके पास सिक्स सेंटीमीटर और इसकी साइज है आपके पास एट सेंटीमीटर तो क्या ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे एंड द आंसर विल बी यस ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर आप बात कर रहे हो सर एंगल्स तो सिम एंगल्स तो इक्वल है लेकिन साइड इक्वल नहीं है तो सिमिलरिटी के अंदर हमारी साइड इक्वल नहीं होती हियर द साइड आर प्रोपोर्शनल क्या होती है प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है देखिए ए बी यहां की साइड में ले रहा हूं ए बी तो यहां की साइड लूंगा पी क्यू यहां की साइड अगर मैं लेता हूं ए सी तो यहां की साइड लूंगा मैं पी आर और अगर यहां की साइड में लेता हूं बी सी तो यहां की साइड आ जाएगी क्यू आर एक बार इनका रेशियो ऑब्जर्व करते हैं कि सर ए बी कितना था फोर सेंटीमीटर पी क्यू कितना आया सर ए बी कितना है मेरे पास फोर सेंटीमीटर पी क्यू आया मेरे पास एट सेंटीमीटर ए सी कितना है मेरे पास थ्री सेंटीमीटर पी आर कितना है सिक्स सेंटीमीटर बी सी कितना है सर टू सेंटीमीटर QR क्यू आर कितना है फोर सेंटीमीटर आप ऑब्जर्व कीजिए क्लास ये आ रहा है सारा वन रेशियो टू वन रेशियो टू तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर

मैं एक बार आपको वापस लिख के बता रहा हूं क्वांग्रेंसी, क्वाग्रेन ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल तो इसमें देखिए क्लास क्या होता है ऑल एंगल्स आर इक्वल इसमें भी यही होता है ऑल Angles are equal. Okay. Second point All sides are equal, and here all corresponding. All स्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोशनल क्या हो रही है यहां हो रही है हमारे पास प्रोपोशनल और यहां हो रहे हमारे पास इक्वल तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना ठीक है बेटा क्वाग्रेन ट्राइंगल्स में हमारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल एंड हियर ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल दॉरेस्पॉन्डिंग आर प्रपोर्शनल ठीक है बेटा साइड्स क्या हो जाएगी प्रोपोर्शनल सो ना विदिंग फॉर द एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन क्लास हमारे बहुत ज्यादा सिंपल है हद से ज्यादा सिंपल है ये और आई थिंक ये पांच या दस मिनट में हमारे कंप्लीट भी हो जाएगी तो इसके आप आंसर देखिएगा बहुत हद से ज्यादा ईजी है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर क्वांग्रेंट और सिमिलर देखिए क्लास इसको समझने की कोशिश करते हैं है तो वैसे बहुत सिंपल थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं अगर मैं कहता हूं चलो मान लेते एक बार हम कंसिडर करते हैं कि ऑल सर्कल्स आर क्वानग्रेंट इसका मतलब अगर ये टू सेंटीमीटर है तो दुनिया के सारे सर्कल जो इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे वो तो टू सेंटीमीटर के होंगे तो क्या मैं दूसरा सर्कल थ्री सेंटीमीटर का नहीं बना सकता क्या अगर ये थ्री सेंटीमीटर का सर्कल है तो ये इसके ऊपर कॉइनसाइड थोड़ी ना करेगा ये कॉइनसाइड नहीं करेगा तो ऑल सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट अब बात करते हैं सिमिलैरिटी की कि देखिए इसकी ये वाली रेडियस और इस रेडियस का रेशियो कितना है टू बाय थ्री आप रेडियस तो कहीं पे भी ले लीजिए तो ये टू आएगी और ये थ्री आएगी तो ये भी टू बाय ही आएगी इसका इसका मतलब रेडियस का रेशियो हमेशा टू बाय थ्री रहेगा इट मींस ऑल सर्कल्स आर सिमिलर ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ओके नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकंड पॉइंट ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और क्व अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की तो देखिए क्लास मैंने यहां एक टू सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया और एक यहां पे मैंने थ्री सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाया क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे नहीं सर ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते अब हम बात करते हैं अगर इसकी रेट, इसकी साइज है टू सेंटीमीटर टू, टू 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 और इसकी साइड है थ्री सेंटीमीटर तो हमेशा इनकी साइड का रेशियो क्या रहेगा टू रेशियो थ्री एंड ऑल द एंगी डिग्री तो इसके सारे एंगल्स बराबर हैं एंड द साइड आर इन प्रपोर्शनिटी दैट इज टू रेशियो थ्री तो ये भी हमारे पास हो गया सिमिलर ऑल स्क्स आर सिमिलर अब देखिए क्लास अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की थर्ड पॉइंट को आप एक बार अच्छे से पढ़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा थर्ड पॉइंट में हमें बोल रखा है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर आइसोसलिस और इक्विलिट तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आइसोसैलिस ट्राइंगल की ए बी सी पी क्यू आर मान ली ये साइड थ्री है और ये थ्री है ठीक है और इसका सम कितना मान लेते हैं अपन इसका साइड मान लेते हैं हम फाइव ठीक है क्लास इसका सम्मान ली इसकी वैल्यू बीसी की वैल्यू मान ली मैंने फाइव मान ली थी ये साइड मेरे पास सिक्स है और ये साइड सिक्स है और ये हो होगी मेरे पास इलेवन एज्यूम कर लेते हैं ये 11 है ओके okay. आप देखिए मैं रेशियो लेता हूं रेशियो सिक्स इसका रेशियो लेते हैं थ्री रेशियो सिक्स और इसका रेशियो लेते हैं फाइव रेशियो इलेवन ये तो बराबर है कि क्या ये बराबर आ रहा है नहीं हमारा जो जो साइड सिमिलर नहीं है उसमें प्रॉब्लम आ रही है ओके okay. और सारे एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे यहाँ पे लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ टू 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 और एक ट्राइंगल है मेरे पास फ़ोर फोर फोर पहले तो मैं बात करता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं सिक्सटी 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 तीनों एंगल्स हो गए मेरे पास इक्वल अब मैं बात करता हूँ साइड का टू रेशियो फोर टू रेशियो फोर टू रेशियो फोर इसका मतलब मेरे सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं हमेशा सिमिलर होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा हमारे पास क्या होंगे सिमिलर नाउ वी आर हेडिंग फॉर द फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट हमें क्या कहते हैं टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर सिमिलर कब होंगे वेन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल्स आर इक्वल ये तो मैंने आपको अभी बताया एंड देर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल साइड क्या होगी मेरे पास प्रोपोर्शनल एंड द एंगल्स शुड बी इक्वल समझ आई बेटा बात एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे और साइड्स क्या होगी हमारे पास प्रोपोर्शनल ओके विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर क्वेश्चन नंबर वन अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की किसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू की पहले क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द ऑफ़ सिमिलर फिगर एंड द नॉन सिमिलर फिगर सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर के अंदर हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं देखिए बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है सिमिलर फिगर गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर फिगर अगर हम बात करें तो हमने सर सभी भी सबसे पहले अब हमने प्रूव किया था कि ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर तो देखिए क्लास पहले मैं एक सर्कल लेता हूं ये सर्कल लिया मैंने थ्री सेंटीमीटर का और यह सर्कल लिया मैंने फोर सेंटीमीटर का ये मेरे फर्स्ट पार्ट का ए है इसके अंदर जब आप दोनों सर्कल को ऑब्जर्व करोगे दिस सर्कल्स विल ऑलवेज बी सिमिलर टू अदर, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ बी बी में मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया ये हो गया मेरे फोर सेंटीमीटर और यहां पे मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया थ्री सेंटीमीटर का आप देखिए सारे एंगल्स भी यहां पे नाइन्टी डिग्री होते स्क्वायर के अंदर ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री और रेक्टेंगल का यहाँ पे जो सर्कल के अंदर तो यहाँ पे तो इसका एंगल का लफड़ा ही नहीं है एंगल अपने आप जो सेंटर पे बनता है वो दैट इज कंप्लीट एंगल एंड दैट विल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री तो ये हो गए मेरे पास सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल ओके okay. अब मैं बात करता हूँ सर आप नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल दीजिए तो नॉन सिमिलर फिगर्स आप कुछ भी मन से बना ली सर ट्राइंगल एंड स्क्वायर ये मेरे पास ट्राइंगल है एंड दिस वन इज स्क्वायर आप साइड भी लिख दीजिए टू सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर अगर आप चाहते हो सर मैंने एक स्क्वायर बनाया फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर और यहां पे बनाता हूं रेक्टेंगल फाइव सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर ये था मेरे पास स्क्वायर और ये था मेरे पास सिमिलर मतलब सर ये क्या एक दूसरे के जैसे दिखते हैं नहीं ये बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते तो ये हमारे क्या हो जाएंगे नॉन सिमिलर फिगर्स ये कैटेगरी किसके अंदर आ जाएगी नॉन सिमिलर फिगर्स में ओके नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में एक बार आप पढ़िए स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट क्या ये क्वाड्रिलेट्रल एक दूसरे के सिमिलर हैं या नहीं ठीक है ओके okay. अब इसमें ऑब्जर्व कीजिए पहला मेरे को थोड़ा रोम्बस जैसा दिखाई दे रहा है बट छोड़िए हम ये बात नहीं करेंगे हम बात करते हैं सर पी क्यू इज इक्वल टू ए बी कितना है मेरे पास 1.5 पॉइंट फाइव अपॉन थ्री देन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी वन पॉइंट फाइव अपॉइंट थ्री दैन आर एस इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव अपॉइंट थ्री एंड एस पी अपॉन डी ए इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव अपॉइन्ट थ्री तो रेशियो तो आ रहा है मेरे पास वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू वन बाय टू ऑल साइड आर प्रपोशनल ऑल साइड्स आर प्रपोशनल ले कैन सारे एंगल्स क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए ये मेरे पास रॉम्बस है वो मेरे पास स्क्वा है स्क्वायर के चारों एंगल्स कितने होते हैं नाइन्टी डिग्री यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा ये नाइन्टी डिग्री है ऑल एंगल्स ऑल

आर नॉट सिर दीज क्वारजट इज एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट 6.1. अब हम बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर और अंदर जाएंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे थ्योरम की दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. लेकिन हमारे एक्सरसाइज सिक्स की समय सीमा यही पे समाप्त हो जाती है ठीक है बेटा तो अगर आपके हमारा अगर आपको हमारी ऐप आप पे जो हमारी क्लासेस चल रही है अगर आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स को और बताइएगा उन्हें भी बोलिएगा हमारी हमारी ऐप से जुड़े जागृति क्लासेस से जुड़िए नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टेक केयर